नमस्कार दर्शक बंधु दर्शक बंधु आज बदलुवा दुनिया सहित तालदेई मनीष बदलुवे लगी व्यस्त बहुत जीवन भितर लोक मैंने अधिक चिंताग्रस्त रहउछन्ती। यह सहित पुष्टिकर खाद्य आदम खाई नहांती। पुष्टिकर खाद्यर अभाव जोगु अनेक प्रकार लाइफस्टाइल जनित रोग से पीड़ित होउछन्ती। जेतेबेले अन्य काहाकु कोनोसी रोग होइथाय सेतेबेले आमे सेही कष्टकु अनुभव करिपारन्ति नाही। हेले जेतेबेले सेही रोग आम सम्मुखरे आम सामनारे छिडा होइजाय किंबा आमर शरीर को ग्रास करे सेतेबेले तार कष्ट कौन आमे ताकु बहुत भल भावरे अनुभव करिपारिथांती। सेहीपरी एक लाइफस्टाइल जनित रोग हेउची पारालीसिस। एहा एपरी एक रोग जहाँ शरीर कोनोसी अंगरे हेले शरीर चलप्रचल करिबा पूरापूरी बंद हो जाए। गोड़ हाथ ओठ एवं मुह मध्य बंका हो जाए। शरीर चलप्रचल करिबा संपूर्ण भावरे बंद हो जाए। तेबे दर्शक बंधु आसंतु जानिबा पारालीसिस रोग कौन एवं एहा किपरी होइथाय। पारालीसिस रोग दुई कारण होइथाय। ब्लॉकेज इन नर्वस सिस्टम अर्थात स्नायु प्रणाली रे अवरोध। दुई रे भेन्स ब्लॉकेज अर्थात शिरा अवरोध। पारालीसिस सेतेबेले हुए जेतेबेले आम शरीर मस्तिष्क पर्यंत सूचना देउथिबा स्नायु नष्ट होइथाय। सेतेबेले आम मस्तिष्क पर्यंत कोनोसी सूचना आम पाखरे पहुंची पारिनथाय जेउथिपई आमकु पारालीसिस होइथाय। जदि आम अंटारे माड़ होइथाय किंबा आमर अंटारे आघात लागिथाय तेबे आमर कोनोसी अंग पारालीसिस मध्य होइ जायथाय। कारण आम अंटा सहित प्रत्येक सिरा प्रसिरा लागिक रहिथाय जहाद्वारा आपण माने पारालीसिस रो शिकार होइ परिबे। जदि आम ब्रेन रे अधिक जोरे आघात लागिथाय ताहले ब्रेन सहित जड़ित कोनोसी अंग मध्य पारालीसिस रो शिकार होइथाय। जो व्यक्ति देहरे हाई ब्लड प्रेशर थाए पारालीसिस होता है। आम शरीर थम्निया नामक स्नायु बहुत ही मोटा होता है। आमर मस्तिष्क को रक्त पहुँचाइबारे थम्निया स्नायु साहाज्य करिथाए। जदि से थम्निया स्नायु पतला होइजाए ताहले जणे व्यक्ति पारालीसिस शिकार होता है। जदि कोनोसी व्यक्ति सिरा कारण जोगु पारालीसिस शिकार होइथाय ताहले से ठीक होई परिबो। जदि सिरा न फाटी सुखी जाइछि ताहले मेडिसिन मालिश किंबा गरम सेक द्वारा आपण पारालीसिस को मध्य ठीक करि परिबे। जदि आपण को थम्निया फाटीबा जोगु पारालीसिस होइछि ताहले आपण ठीक हेबा बहुत ही कष्टकर अटे। जदि आपण सर्जरी करंती ताहले ठीक होई परिबे। मनुष्य को पाखरे चारि प्रकारर पारालीसिस देखा जाइथाय। एक रे मोनोप्लेजिया एहा एक प्रकार साधारण पारालीसिस अटे। एहा केवल आमर विभिन्न अंग को प्रभावित करिथाय। ब्रेन रे आघात हेबा जोगु जेपरी कि ब्रेन स्ट्रोक। हेमिप्लेजिया आपणक शरीर रो केवल गोटिए साइड रे ही होइथाय। स्ट्रोक कारण रु एहा होइथाय। मस्तिष्क रो गोटिए साइड को एहा क्षति पहुंचाइथाय। शरीर रे हेमोप्लेजिया थिले चुंची फुडीबा सहित के कामुडला भली आमको अनुभूत होइथाय। तीन रे पाराप्लेजिया। पाराप्लेजिया अंटा रो तळ भाग रे होइथाय। दुई पाद एहा द्वारा अचल होइथाय। व्यक्ति चली परि नथाय। पाराप्लेजिया भिन्न भिन्न व्यक्ति देहरे भिन्न भिन्न लक्षण आकार रे देखा जाइथाय। कमर रे आघात लागिबा जेपरिकी कमर हाड़ रे रक्त इन्फेक्शन हाड़ रे घा हेबा आ मस्तिष्क रे ट्यूमर हबा हाड़ रे ऑक्सीजन कम थिले पाराप्लेजिया हेइथाय। नंबर चार रे क्वाड्रिप्लेजिया। एहा को ट्रैक्टर प्लेजिया मध्य कह जाइथाय। एहार लक्षण बेकर तळ भाग रे देखा जाइथाय। क्वाड्रिप्लेजिया देहरे टेम्पररी भावरे होइथाय। मस्तिष्क रे आघात लागिबा स्ट्रोक मेरुदंड रे आघात लागिबा द्वारा एही क्वाड्रिप्लेजिया पारालीसिस होइथाय। टैक्स ऑब्जेक्टिव एवं मिरर थेरापी द्वारा आपण मध्य भल होइ परिबे। एथिरे छोटो छोटो टैक्स दिया जाइथाय जे अंग पारालीसिस होइथाय मिरर सम्मुखरे रखी एहार चिकित्सा करा जाइथाय। हात गोड़ चलप्रचल करिबा द्वारा ब्रेन उपरे एहार प्रभाव मध्य पड़िथाय। ता छड़ा रोबोटिक मशीन मध्य बसा जाइथाय। मोटर मेड मशीन द्वारा मध्य एक्सरसाइज करा जाइथाय। एक्सरसाइज करिबा द्वारा धीरे धीरे शरीर ठीक होइथाय।
ପାରାଲିସିସ୍ ହୋଇଥିଲେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ମାଲିସ୍ ଦେହରେ କାମ କରିଥାଏ। ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ପାରାଲିସିସ୍ରେ 3 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇଥାଏ ତାହେଲେ ଭଲ ହେବା କଷ୍ଟକର ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ଯଦି 3 ବର୍ଷରୁ ଏହା କମ୍ ହୋଇଥାଏ ତାହେଲେ ସେ ଭଲ ହୋଇପାରିବ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହା ଥିଲା ପାରାଲିସିସ୍ ରୋଗ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ତଥ୍ୟ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପାରାଲିସିସ୍ର କୌଣସି ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଉଛି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ମାଲିସ୍ କରନ୍ତୁ, ଶରୀରକୁ ଚଳପ୍ରଚଳ କରନ୍ତୁ ବା ଆକ୍ଟିଭ୍ କରନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ ରୋଗୀର ଦେହ ଟାଣ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ତାକୁ ନରମ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ତୁରନ୍ତ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ସହିତ କନସଲ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନିୟମିତ ଭାବରେ ଏହାର ଚିକିତ୍ସା ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ, ନିରୋଗ ରୁହନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଡିଟିଭି ଓଡ଼ିଆ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ।